भारतीय जनता पार्टी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा द्वारा हुए विविध आयोजन, अल्पसंख्यक मोर्चा ने पक्षियों के लिए बांटे जलपात्र। IL&FS से प्रशिक्षित युवाओं ने रोजगार क्षेत्र में किया नाम, 6 मंथली कोर्सेज के 8वें बैच की तैयारी। और सर्रा के समीप आवारा कुत्तों के हमले से घायल हिरण की बचाई गई जान, पशु चिकित्सालय में हुआ उपचार। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबर विस्तार से। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज पार्टी का 38वां स्थापना दिवस संस्थापक सदस्यों, महान मनीषियों को याद कर विशिष्ट कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का सम्मान कर मनाया गया। पार्टी कार्यालय में संपन्न स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, महापौर कांता सदारंग तथा पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण मौजूद थे। ये सम्मान उस बात का है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका है। आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, चरणों की धूल को माथे पर लगाकर आप सभी लोगों के प्रति श्रद्धा और अनुश्रा का समय दिए। अब कल कुछ कर गुजरने का समय है, इसलिए आप लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठते हुए पार्टी के हमारे युवा कार्यकर्ताओं को मेरा युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पाठाढाना में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री कन्हीराम रघुवंशी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति जगेंद्र अल्डक ने की। गूगल पे है, उसको देख के हम पढ़ भी सकते हैं, खोलना चाहिए गूगल और पढ़ना चाहिए। तो ये मैंने जितनी बात बताई है या आपको उसमें अधिकृत रूप से मिल जाए। और वो संस्था का जो गठन हुआ सिर्फ देश की आजादी के लिए हुआ, वो हुआ 1885 में, और वो भी अंग्रेज ने करवाया। अंग्रेज ने ही एक अंग्रेज की ड्यूटी लगाई, क्योंकि गदर से वो परेशान हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की साख बिक गई थी। ये स्थिति हो गई थी कि कलकत्ता की राजधानी को भी उठा के दिल्ली ले जाना पड़ा। और उसी समय 1857 में अंग्रेज समझ गया था कि हमको भारत छोड़ना पड़ेगा।
जब राजधानी कैलकाटा से उठानी पड़ी, बंगाल का विभाजन हुआ, वो विभाजन के खिलाफ 6 साल आंदोलन चला, पर बंगाल के विभाजन को वापस लेना पड़ा अंग्रेजों। ईरान को अलग किया, अफगानिस्तान को अलग किया, भूटान को अलग किया। नेपाल के लोग कह रहे थे कि हम तो भारत के अभिन्न अंग हैं, हमारे यहाँ नेपाल का काठमांडू का जो मंदिर है वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। नहीं, फिर जबरन उसको भी अलग कर दिया, श्रीलंका को अलग कर दिया। आज भी हम अगर भारत का नक्शा खरीदते हैं तो श्रीलंका का नक्शा हमको बोनस में मिलता है। त्रिविष्टम हमारे वेद शास्त्रों में है, उसको भी हमसे अलग कर दिया। आज चीन और जो उसके बीच में जो झगड़ा चल रहा है, अभी डोकलाम वाला जो मामला है, वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो वो डोकलाम पे उसने कब्जा करा ही लिया। तो इन सब बातों को हमको समझना पड़ेगा। और जब देश की आजादी हुई 47 में, तब भी इसके दो टुकड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस की खुशी के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में संकल्पबद्धता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पक्षियों के लिए जलपात्र वितरित कर जीव रक्षा का संदेश दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी पहले 1951 में अपनी बनी थी जनसंघ के नाम से, उसके बाद से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उसी क्रम में आज 6 अप्रैल को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे के आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको याद करते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव के ऊपर चलती हुई है और सेवा भाव करती आ रही है। तो उसी सेवा भाव को याद करते हुए हम लोगों ने आज सेवा भाव के दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया है। और स्थापना दिवस के रूप में हम लोग ने यहाँ पर पक्षियों के लिए जलपात्र रखे हैं, जो शुरुआत हमने भैया जी की दरगाह से की यहाँ पर। उसके बाद हम लोग घरों घर जाएंगे, घरों घर जाके लोगों को समझाएंगे कि वो जलपात्र रखे ताकि गर्मियों में पक्षी प्यासे ना मरें। और ये सेवा भाव पे चलते हुए हम लोग सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना करते हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। This is our Balaji Public School. Results of board classes, around 100 students passed first class along with district merit. Online education with T-Snacks, CCTV controlled office, toy bank, swing, slider, sports activities for overall development, volleyball, tennis, skating, bus facility, lawn, huge playground, separate hostel for boys and girls, computer lab, well-equipped physics, bio and chemistry lab, summer camp, library and book reading, dance classes, celebration on various occasions like 12-12-12, indoor games, science fair, Bharat Parv presentation, welfare work by scout guide camp, plantation by all clubs, regular yoga classes, cultural activities to show their talent, qualified teaching staff, water pot for birds, PT presentation, farewell, art classes, karate and taekwondo, educational tour, prize by chief minister, first prize in quiz, state level science talent award, first prize in district olympic, awards on Madhya Pradesh Foundation Day, first prize in PT, Balaji Public School, Janata Colony, Chhindwara. Break के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 अप्रैल की शाम अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा द्वारा अंबेडकर तिराहे के समीप सभा कर भारत बंद के दौरान हताहत भाई बहनों को श्रद्धांजलि दी गयी। Thank you.
गले लगाओ भैया। संयुक्त मोर्चा अनुसूचित जाति जनजाति जिला छिंदवाड़ा से मोर्चा द्वारा 2 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो 2 तारीख को जो हमारे भाई बहन इसमें शहीद हुए हैं, हम उनको तहदिल से आज श्रद्धांजलि यहाँ देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो भी वातावरण जो निर्मित हो रहा है वो देश में इस प्रकार का वातावरण ना निर्मित हो और सब चीज़ हमारे देश में ठीक रहे। ILNFS सेंटर में आज 6 महीनों का प्रशिक्षण सत्र संपन्न करने वाले 7वें बैच के युवाओं को शुभकामनाओं सहित विदाई दी गई। ITC के तत्वावधान में सेंटर में जारी स्किल डेवलपमेंट कोर्स को पूरा करने से पूर्व ही कई युवाओं को बड़े और नामी संस्थानों में रोजगार प्राप्त हो चुका है, जो इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए बड़ी उपलब्धि है। सेंटर डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए जानकारी दी। आज यहाँ पे ITC कल्नरी ट्रेनिंग का जो है 6 मंथ का 7वां बैच समाप्त हुआ है और ये 6 महीने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में यहाँ पे इंडियन है, वेस्टर्न है, चाइनीज़, थाई, सभी तरह के कॉन्टिनेंटल क्यूज़ीन सिखाए जाते हैं और यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं इनको सबको नवी मुंबई, चेन्नई, यहाँ के 5-स्टार होटल्स में इनको जॉब मिल चुकी है और 6 मंथ का ये कार्यक्रम काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम है और इसमें जो बच्चे हैं वो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और 18 से 28 साल तक के बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं और ये शेफ मेहरनूज हैं जो यहाँ पे ITC होटल्स की तरफ से हैं और इन जो यहाँ पे सारा 6 मंथ का प्रोग्राम सिखाते हैं। पानी की तलाश में भटककर इंसानी बस्ती में आ जाने से एक हिरण की जान पर बनाई और आवारा कुत्तों के हमले में यह हिरण बुरी तरह घायल हो गया। सर्रा क्षेत्र में इस हिरण की जान बचाकर क्षेत्र के पार्षद रामेश्वर ठाकरे और नगर निगम के हेमंत गोदरे ने पशु चिकित्सालय में हिरण का इलाज भी कराया। सुबह 7 बजे से चंद्रनगर निवासियों द्वारा बार बार सूचना मिल रही थी कि ये एक हिरण है जो कृषि अनुसंधान केंद्र के पास बार बार दिखाई दे रहा है, तो उसको जब फॉलो किया गया तो ये वार्ड नंबर 35 में जो पार्षद है रामेश्वर राव ठाकरे जी, उन्होंने बताया कि एक हिरण है जो यहाँ पर घायल मिला है, जब जाके देखा गया तो वही हिरण है, उसे लेकर आया गया अभी जिला चिकित्सालय में और वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है, तो अब ये इनको लेकर के वन विभाग लेके चल रहा है। क्या हुआ था हिरण के साथ? शायद पानी की तलाश में आ गया था ये, शायद कुत्तों ने उसको घायल कर दिया है, उसके पीछे बैक में बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया है उसको। वार्ड नंबर 35 में कुत्तों के द्वारा घायल किया गया हिरण की खबर मिली। खबर मिलने के बाद तुरंत स्पॉट पर पहुँचे, देखिए बहुत ज़्यादा अवस्था उसकी ख़राब थी, वहाँ से तुरंत मोटरसाइकिल में फॉरेस्ट वाले को खबर दी, फॉरेस्ट वाले को सूचना देने के बाद फॉरेस्ट वाले नहीं पहुँचने कारण फिर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए मोटरसाइकिल में और जब बहुत ज़्यादा घायल अवस्था हुई उसको हॉस्पिटल लेके आए। किस चीज़ की तलाश में? पानी की तलाश में।
राज्य शासन द्वारा सभी विभागों में कार्य प्रणाली को हाईटेक किया जा रहा है। इस क्रम में अब नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के नक्शे और शुल्क भुगतान प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा रही है, जिसके लिए आज भोपाल से आए विशेषज्ञ हेमंत विश्वकर्मा ने प्रशिक्षण प्रदान किया। जॉब सबमिट करेंगे उसी का प्रिंट आउट आएगा। वो तो हो गया सर, फील्ड वाली चीजों में आपने ट्रेनिंग अटेंड की थी क्या? उसमें आपको तीन चीज बताई होंगी, देखिए हालांकि फील्ड पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, चाहे वो रेगुलेटरी हो चाहे गवर्नमेंट का हो, पर यहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ जो रूल्स पहले भी हुआ करते थे पर फॉलो नहीं हुआ करते थे, वो रूल्स यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं। वो है कमिटमेंट के, कमिटमेंट का एक इसके अंदर जैसे कि पहले भी नियम में चला आ रहा है कि प्रिंट लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, सर्विस लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी पे एक इन्फॉर्मेशन देनी रहती है आवेदक को, वो अब यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी। वो उनको कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी पे उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो नगरीय निकाय से वो व्यक्ति जाके वहाँ पे चेक करेगा। सर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कंपलसरी जाना पड़ेगा, जियो टैग होगा, वहाँ जाके फोटो खींचना है। कंपाउंडिंग करने के साथ साथ जो उस पर शुल्क लगता है वो शुल्क उनसे ली जाएगी। हर नगरीय निकाय का एक अपना शुल्क है, कंपाउंडिंग का शुल्क लिया जाएगा, और अगर उससे अधिक है तो जो भी नगरीय निकाय उसके ऊपर एक्शन लेना चाहती है, नोटिस देना चाहती है, उसको चेक करने का सर घर में हमारी शादी होती तो कौन बोल देता भाई हमारी सुनेगी, ये तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए कुछ नहीं है। आप उसके लिए देखिए, सबने नियम सेट किया, आप भी नियम सेट कीजिए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सुर्खियां, अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। भारतीय जनता पार्टी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा द्वारा हुए विविध आयोजन, अल्पसंख्यक मोर्चा ने पक्षियों के लिए बांटे जलपात्र। IL&FS से प्रशिक्षित युवाओं ने रोजगार क्षेत्र में किया नाम, 6 मंथली कोर्सेज के 8वें बैच की तैयारी। और सर्रा के समीप आवारा कुत्तों के हमले से घायल हिरण की बचाई गई जान, पशु चिकित्सालय में हुआ उपचार। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।